जीम बिसमीम फिजिक्स की जनाब क्लास है तमाम लोगों को आवाज आ रही है अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक दो लोगों से चेक कर लेते हैं जिनके नाम लेंगे बता रहे आवाज आ रही नहीं आ रही है अलीजा फारूक बेटा आवाज आ रही है अलीजा फारूक आवाज आ रही है गानिया अलवी आवाज आ रही बेटा यस yes, सर आ रही है साफ आ रही है जी सर बेटा किसी को अगर आवाज ना आ रही हो तो एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है उस चैट बॉक्स के ऑप्शन में लिख दीजिएगा देख लेंगे हमने इसलिए एक दो से चेक कर लेते हैं कि हमारी तरफ, तरफ से तो आवाज जा रही है ठीक है right? क्लास जरा केमिस्ट्री की क्लास तो मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था इश्यू आ गया था जिसकी वजह से क्लास आप लोगों के दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गई है ठीक है जना एमरजेंसी में दूसरा प्लान बनाया है और फिजिस की क्लास आपने शुरू करवा दी है ठीक है जनाब डिस्पिल्ला से शुरू करते हैं जनाब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने माइक जनाब वो ऑफ कर लीजिएगा एज जो आप लोग को बताया गया था स्क्रीन आप जनाब नजर आ रही होगी स्क्रीन से शुरू करते हैं शुरू रहमान के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत वाला है तमाम लोगों से रिक्वेस्ट चाहिए मेरे बेटा कि आप लोग प्लीज अपने अपने माइक चेक कर लें ऑफ कर लें तो अच्छी बात है सेकंड ईयर की जनाब क्लास है दूसरा हमारा लेक्चर है फिजिक्स की क्लास है सेकंड हमारा जनाब लेक्चर है कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था जिसमें थोड़ी सी हमने जनाब वो इंट्रोडक्शन की थी पहला सवाल हमने करना है बताया गया था आपको कि चैप्टर नंबर के अंदर जिसको चैप्टर आप कहते हैं हीट इसका नाम है इसके अंदर हमारे पास पांच टॉपिक्स है बेसिकली जिनमें से पहले टॉपिक को हमने शुरू किया था जिसका नाम था हीट टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन और जनाब इसके अंदर जो हमारे पास पहले हमने कुछ डेफिनेशन करनी है उसके बाद कुछ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे एक्सपेंशन पढ़ेंगे, एक प्रूफ होगा। आज जनाब बाकायदा जनाब क्लास का आगाज करते हैं पहला जो टॉपिक हम जनाब डिस्कस करेंगे इसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी जो पहली हमारी डेफिनेशन है इसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी कहते हैं अंदरूनी तो कह सकते हैं इसको देखो बेटा दुनिया में कोई भी बॉडी अगर मौजूद होती है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी पाई जाती है हर बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होती है किसी में जनाब आली एनर्जी कम होती है किसी में एनर्जी ज़्यादा होती है टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी पाई जाती है उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है एक पानी आपके पास बर्तन के अंदर मौजूद है उस पानी को अगर आप जो है वो चूल्हे पर रखेंगे और जलाएंगे तो क्या देखते हैं कि चूल्हे में से कुछ एनर्जी उस पानी में चली जाएगी वो पानी गर्म हो जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाएगा हर बॉडी के अंदर एनर्जी पाई जाती है किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है किसी भी बॉडी में जो एनर्जी पाई जाती है उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं ये मॉलिक्यूल मोशन की हालत में होते हैं इनकी तमाम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल इन साइड सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसी भी चीज की बात करते हैं सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कोई भी सब्सटेंस जब हमारे पास होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं मेरे बेटा छोटे छोटे पार्टिकल हमारे पास जनाबेली वो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे पास जनाब पाए जाते हैं ये पार्टिकल्स मोशन की हालत में होते हैं जब मोशन के अंदर होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है कई तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई मॉलिक्यूल जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसमें तीन तरह की मोशन होती है एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन को कहा जाता है जिसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है दूसरी मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन के एक ही पॉइंट पे रहते हुए आगे पीछे मूव करता है जो कि सॉलिड्स के अंदर होती है और उसके अलावा रोटेशनल भी होती है जिसके अंदर बॉडी एक सर्किल के अंदर रिवॉल्व करती है जितनी तरह की मोशन होती है इतनी ही तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है तमाम काइनेटिक एनर्जी को अगर सम किया जाएगा तमाम काइनेटिक एनर्जी को अगर सम किया जाएगा तो इसके सम को जनाब अली क्या कहा जाता है इंटरनल एनर्जी कहा जाता है आगे देखते हैं इट इज डिनोटेड बाई यू इसका जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वैसे तो एनर्जी का सिंबल आमतौर पर आप ई इस्तेमाल करते हैं मगर जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं उस सिंबल को यू से सिंबल इस्तेमाल करते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए बास जगह पर क्यू भी इस्तेमाल होगा बाद इस्तेमाल करते रहे हैं मगर यहाँ पर ई इस्तेमाल नहीं करते इसकी वजह यह है कि फिजिक्स पे हमारे पास एक और चीज आएगी जिसका नाम होता है एफिशिएंसी उसके लिए हम ई इस्तेमाल करते हैं लिहाजा इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल यू का इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स पे जब कोई क्वांटिटी होती है तो उसके साथ यूनिट का होना जरूरी है इसकी जो एस आई यूनिट होती है इसका नाम जूल होता है कोई भी एनर्जी होती है किसी भी फॉर्म ऑफ कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उसकी यूनिट जनाबे अली जूल उसकी होगी अदर यूनिट्स इसकी एक होती है BTU BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं BTU को और इसकी एक और यूनिट कैलोरी भी होती है इनके रिलेशन आपको याद होने चाहिए इनके रिलेशन आपको मेरे बेटा याद होने चाहिए ये एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं वन बी टी यू वन बी टी यू बराबर होता है टू फिफ्टी वन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स बड़ा एक्यूरेसी के साथ बता रहे कैलोरी में और इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो इट विल बिकम टू फिफ्टी टू कैलोरी कितना मेरे बेटा टू फिफ्टी टू कैलोरी बनेगा एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं और अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो वन कैलोरी बराबर होता है जूल के और अगर उसको राउंड ऑफ किया जाए क्या करें बेटा अगर उसको अगर उसको राउंड ऑफ किया जाएगा तो ये तकरीबन 4.2 जूल के बराबर होता है किसके बराबर होता है 4.2 जूल के जनाब आली बराबर होता है पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी की टोटल एनर्जी पजिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं इसके लिए यू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे पूरे चैप्टर में समझ लो कि यू का सिंबल इस्तेमाल होगा इंटरनल इंटरनल एनर्जी के लिए ऐसा यूनिट जूल होगी आमतौर पर न्यूमेरिकल जूल में ही होते हैं इसके अलावा भी इसकी यूनिट्स हो सकती हैं एक और यूनिट जैसा कि बताया आपको बी टी यू हमारे पास जनाब अली होते हैं कितने होते हैं मेरे बेटा बी टी यू हमारे पास एक और होती है यूनिट और एक और कैलोरी होती है जो कि फोर पॉइंट वन सिक्स जूल के, के जनाब बराबर होती है नेक्स्ट हमारे पास जनाब एक और चीज जो समझने की है कि जब हॉट बॉडीज होती है जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है जो बॉडी गर्म होती है उनमें एनर्जी ज्यादा होती है यही वजह है कि गर्मियों के जमाने में लोग जल्दी लड़ने बढ़ने पे आमादा हो जाते हैं गर्मी का टाइम गर्मी होती है टेम्परेचर ज्यादा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होती है ज्यादा होती है टेम्पर लूज हो जाता है तो गर्मी के मौसम में किसे लड़ा, लड़ा ना करो भाई ठीक है आगे चलते हैं जनाब जो कोल्ड बॉडीज होंगी उनका टेम्परेचर कम होता है ए इस, सी वेसी में जाके बैठ जाएंगे तो ठंडा पड़ जाता है कोई आदमी बहुत गुस्से उससे मोहन तो उस पर डाल देते हैं पानी तो ठंडा हो जाए भाई तो जो बॉडी कोल्ड होती है उनमें इंटरनल एनर्जी कम होती है नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है इसका नाम है हीट एनर्जी क्या एनर्जी बेटा हीट एनर्जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है पहले इसकी डेफिनेशन देख ले आमतौर पर जब हम हीट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कॉमन जिंदगी में आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं लव इस बॉडी में हीट ज्यादा है इस बॉडी में हीट कम है मगर ये जुमला फिजिक्स के लिहाज से गलत है फिजिक्स के हवाले से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी पाई जाती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं तो ये हीट क्या होती है फिर जब मेरे बेटा दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया जाए एक गर्म बॉडी हो एक ठंडी बॉडी हो दोनों को अगर कांटेक्ट में लेकर आए साथ रखें तो कुछ एनर्जी हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये जो एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है मेरे बेटा जो एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है द एनर्जी इन द ट्रांजिट फॉर्म ट्रांसिट फॉर्म के मतलब क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है जब तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसका नाम हीट एनर्जी होता है और जब वो किसी दूसरी बॉडी में पहुंच जाती है तो उसका नाम इंटरनल एनर्जी हो जाता है अच्छी तरीके से समझ लो जब किसी बॉडी में हीट होगी तो उसका नाम इंटरनल जब किसी बॉडी में एनर्जी होगी तो उसका नाम इंटरनल एनर्जी होगा और जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा हीट एनर्जी हो जाएगा इसकी सादा सी मिसाल आप इस तरीके से देखें ईद का दिन गुजरे है इस दफा तो जो है ना कोरोना की वजह से मेहमान भी कम आए होंगे जब मेहमान आते हैं तो ईदी विधि भी देते हैं जब तक भाई जो है वो पैसे देने वाले की जेब में मौजूद है वो पैसे है और जब वो आपको दे रहा है और आप अपने हाथ से ले रहे हैं तो उसका नाम हो गया ईदी और जब आपके पर्स पे पहुंच गया तो अब वो ईदी विदी नहीं रहा अब तो पैसे हो गया जब वो एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में जा रहा था तो उसका नाम ईदी था इसी तरीके से जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है तो उसका नाम हीट एनर्जी होता है और जब वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी तो उसका नाम जनाब इंटरनल एनर्जी हो जाएगा बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी है जो बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है वो इंटरनल एनर्जी है और जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है उसका नाम जनाब हीट एनर्जी है ये भी कह सकते हैं कि द एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफरम फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी तो उसका नाम हीट होगा इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या इसको स्मॉल क्यू से जनाब डिनोट किया जाएगा इंटरनल एनर्जी के लिए यू इस्तेमाल किया था हीट एनर्जी के लिए क्यू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं इसकी यूनिट सेम होती है जो कि इंटरनल एनर्जी की होती है यानी एस आई एनर्जी की बात करेंगे तो जूल होगी या बीटी होगी या कैलोरी होगी कोई भी एनर्जी होती है तमाम एनर्जी की यूनिट जो होती है वो सेम होती है एक जैसी होती है बराबर होती है और इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम कैलोरी मीटर होता है कैलोरी मीटर द डिवाइस टू मेजर हीट ये क्या होता है ये हम इन टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के स्पेसिफिक हीट का वहां बताएंगे कि मीटर क्या चीज हमारे पास होती है आगे जनाब चल के देखते हैं एक नोट समझ ले छोटी सी बात है कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ हीट होता है नेचुरल फ्लो ऑफ हीट होता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानी होता है एक चमचा ले और उसको जलते हुए चूल्हे में रख दे थोड़ी देर में क्या देखेंगे आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट हॉट बॉडी से चलेगी और कोल्ड बॉडी की तरफ जनाब क्या होगी ट्रांसफर हमारे पास हो जाएगी एक और छोटी सी चीज यहां पर है जिसका नाम है थर्मल इक्विलीबिरियम क्या नाम है थर्मल इक्वलिबीरियम हमारे पास क्या होता है कि जब दो डिफरेंट बॉडीज को जिनकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो यानी अगर एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी मेरे बेटा अगर कोल्ड है इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो कुछ अरसे के बाद दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है व्हेन व्हेन टू टू बॉडीज बॉडीज ऑफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल इंटरनल एनर्जीज एनर्जीज आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ बोथ दिल द इंटर कॉन्टेक्ट के मतलब है की साथ में कॉन्टैक्ट पे ले जोड़ दे इसकी सादा सी सहल सी मिसाल ये है मेरे बेटा की जब सर्दियों के मौसम में नहाना होता है एक तरफ से गर्म पानी के नल खोलते हैं एक तरफ से ठंडे पानी के नल खोलते हैं या अगर गीजर नहीं चल रहा अगर मेरे बेटा गीजर चंदा अगर नहीं चल रहा है तो पतीली के अंदर पानी गर्म करके ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं तो होता क्या है कि पतीली के अंदर गर्म पानी होता है बाल्टी के अंदर ठंडा पानी होता है मगर जब दोनों को मिलाया जाता है तो दोनों पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है जब पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब हो गया जनाब के वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जनाब वो आ तो गए तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई थर्मल इक्विलिब्रियम की दो बातें समझने की है कि हीट फ्लो होगी कहाँ से मेरे बेटा कोल्ड बॉडी से हीट फ्लो होगी हॉट से फ्लो होगी कहाँ कोल्ड की जाने और उस वक्त तक फ्लो होती रहेगी जब तक के जब तक के जब तक के दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए और ऐसी स्टेट को कहा जाता है थर्मल इक्लिविरियम ये छोटे छोटे पॉइंट्स है मेरे बेटा ये एम के अंदर पूछे जाते हैं ये सब आपके जहन में होने चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट जरा से इंपॉर्टेंट है तो एक डेफिनेशन हमारी एक्सटर्नल एनर्जी की हो गई है सेकंड डेफिनेशन हमारे पास किसकी हो गई मेरे बेटा हीट एनर्जी की हमारे पास सेकंड डेफिनेशन हो गई है तीसरी ठीक है जरा तीसरी हमारे पास अब सूरत हाल ये है कि जो तीसरी डेफिनेशन आपको बताई थी उसका नाम था टेंपरेचर क्या नाम मेरे बेटा है टेंपरेचर है और टेम्परेचर सब अच्छे तरीके से जरा वाकिफ है अभी गर्मियों का मौसम है तो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि आज का टेम्परेचर कितना है अगर आज टेम्परेचर फर्स्ट करे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और कल की पेशेंट गोई हो जाए कि 40 डिग्री होगा तो हाथ पाप फूल जाएंगे पता है कि गर्मी ज्यादा होने वाली है और अगर पता चले कि कल का टेम्परेचर कम होके 30 हो जाएगा तो थोड़ा सुकून आ जाएगा कि टेम्परेचर जनाब कम होने वाला है अब गौर से कि टेम्परेचर की एक डेफिनेशन क्या होती है इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस अ बॉडी किसी भी बॉडी में कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है इस चीज की मेजरमेंट हम कर सकते हैं टेम्परेचर के जरिए किसके जरिए मेरे बेटा टेम्परेचर के जरिए हम जनाब क्या कर सकते हैं किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर किया जा सकता है अगर हमें टेम्परेचर पता हो तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी हॉट है या बॉडी कोल्ड है सर्दियों के दिन होते हैं कहते हैं कि टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका मतलब है कोल्ड होगा और जब गर्मियों में कह रहे हैं कि टेम्परेचर होगा फोर्टी तो इसका मतलब है कि ये हॉट होगा यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर हमें ये बताता है कि हीट का फ्लो कहा से कहा होगा टेम्परेचर हमें ये बताता है कि हीट का फ्लो से आली हमारे पास होगा शुरू में आपको बताया कि हीट फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में अगर हमें दो बॉडीज के टेम्परेचर पता है तो हम बता सकते हैं कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगी जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां पर हीट आ रही है उसका टेम्परेचर कम होगा एक और डेफिनेशन टेम्परेचर के हवाले से की जा सकती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर यह भी कहा जा सकता है कि मॉलिक्यूलों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसका नाम टेम्परेचर होगा अब यहां पर सवाल जहर में खड़ा हो गया होगा कि सवाल यहाँ पर यह खड़ा कर दिया होगा जहन में बन रहा होगा कि सर ने तीन तीन डेफिनेशन बता दी बेला साहब एक बता देते काफी थी तो बेटा इस तरह की छोटी छोटी चीजें बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर आएंगी ये तीन की जगह चार डेफिनेशन लिखी होंगी एक चौथी डेफिनेशन भी होगी जो सही नहीं होगी अब आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ, जा, आ जाएगा कि कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन टेम्परेचर के लिए ट्रू नहीं है तो किसी भी बात को आसान मत जानना कि यार ये तो सर ने फालतू बता दिया टाइम पास कर दिया ऐसा नहीं है हर चीज की अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस है हर चीज की अपनी जगह पर अहमियत है ये तीन डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई है हो सकता है कि चौथी डेफिनेशन यहाँ पर हीट एनर्जी की डाल दें और बोले इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इस हवाले से तमाम बातें आपके इल्म में तमाम बातें आपके मालूम में होनी चाहिए अब आते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो टेम्परेचर बदलने के साथ साथ तब्दील हो जाती है टेम्परेचर बदलने के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है तब्दील हो जाती है एक तार के कॉपर के तार के टुकड़े को ले और उसको चूल्हे पे रखे तो आप क्या देखेंगे कि वो थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा उसका कलर क्या हो गया तब्दील हो गया कलर क्या हो गया उसका तब्दील हो गया है किसी आदमी का टेम्परेचर मालूम करना हो मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं तो उसके अंदर मरकरी होता है वो एक्सपेंड करके फैल जाता है ऊपर चला जाता है कुछ थर्मामीटर ऐसे भी आते हैं कि माथे पे लगाते हैं उनके रंग बदल जाते हैं यानी टेम्परेचर जब बदलता है तो प्रॉपर्टीज हमारे पास तब्दील हो जाती है और सबसे आसान सी बात है भाई गर्मियों का मौसम आता है तो आपका चेहरा लाल सुर्ख पड़ जाता है सर्दियों का मौसम आता है तो चेहरा सफेद पड़ जाता है यानी कि क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर तब्दील होता है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो तब्दील हो जाती है इन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फिजिक्स के अंदर बेषतर प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील होती है फिजिक्स के अंदर बेस्तर प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील होती है तो वो प्रॉपर्टीज जो के टेम्परेचर में तब्दीली के साथ साथ वेरी करें ऐसी प्रॉपर्टीज को जनाब क्या कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है एग्जाम में एम के अंदर हो सकता है कि चार पांच प्रॉपर्टी आपको लिख दें तीन थर्मोमेट्रिक हो तीन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ना हो जितनी भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उनमें आमतौर पर डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर बदलने से इनपे क्या असर पड़ेगा तो जब हम बता देंगे आगे पढ़ाएंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये ये प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर तब्दील होने से तब्दील होती है ये ये प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर बदलने से तब्दील होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर तब्दील होने से तब्दील नहीं होती हैं ठीक कुछ प्रॉपर्टीज टेम्परेचर बदलेगा तो प्रॉपर्टी तब्दील होंगी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बदलने पर तब्दील नहीं होंगी तो आपको जहन में होना चाहिए अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर बदलने से तब्दील हो जाती है ठीक है ना प्रेशर बदलने से तब्दील नहीं होती है तो ये जब हम आगे चल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी तो हर प्रॉपर्टी के साथ ये देखा जाएगा कि जनाब टेम्परेचर का उस पर असर क्या होता है टेम्परेचर को तब्दील होने से उसमें क्या तब्दीली जनाब होती है तो ऐसी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जनाब कहा जाता है एग्जाम्पल की बात करते हैं वॉल्यूम है डेनिसिटी है विस्कोसिटी है प्रेशर है सरफेस टेंशन है पढ़ा होगा आपने जब चीजों को गर्म करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है नहीं होता घर में दूध लो और पतीली पे रख के चूल्हा जला के तब के मोबाइल फोन के अंदर लग जाओ थोड़ी देर के अंदर अम्मा आके बता देंगी कि क्या हुआ जब दूध एक्सपेंड होगा फैलेगा पतीली से बाहर आ जाएगा तो डांट पड़ना शुरू हो जाएगी विस्कोसिटी गाढ़ापन होता होता है है शहद हमारा होता है। कुछ चीजें आपने देखी होंगी ऑयल वगैरह होते हैं सर्दियों के अंदर जम जाते हैं गर्मियों के अंदर वो पिघल जाते हैं वो ठीक है जनाब कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में फ्रिज में रखा जाए उसको टेम्परेचर बदलता है तो उनकी प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती है आगे चल के हम और भी डिस्कशन आएगी तो हम इसको देखते रहेंगे फिर आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे की जाए आजकल तो पता है जगह जगह जो अब जनाब कोविड 19 की वजह से टेम्परेचर को नोट किया जा रहा है टेम्परेचर जनाब नोट कर रहे हैं बुखार होगा तो कोरोना के अंदर डाल देंगे मत जाना हॉस्पिटल में तो टेम्परेचर को मेजर भी करना होगा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है उसकी जो डिवाइस होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में होने वाली तब्दीलियों को मेजर करते हैं कभी कबाब टिक्के की दुकान पे जाओगे तो वहां सिक रहे होते हैं तो वहां अगर आप कोयले को देखेंगे तो वो कोयला लाल हो रहा होता है रेड हो रहा होता है जब रेड कोयला है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ेंगे पता है कि रेड हो रहा है तो ये गर्म होगा क्योंकि जलने की सूरत पे गर्म होने की सूरत में उसकी प्रॉपर्टी बदल गई है और वो ब्लैक से जनाब ग्रीन हो गया है ब्लैक से रेड हमारे पास हो गया है जब रेड हो गया है तो इसका मतलब है गर्म होगा कहने का मकसद ये है बताने का मकसद ये है कि जब टेम्परेचर बदलेगा तो प्रॉपर्टीज तब्दील होंगी प्रॉपर्टीज तब्दील होंगी उनको देखकर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं अमूमी तौर पे, आम तौर पे जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे इस डिवाइस का नाम होता है थर्मामीटर क्या नाम होता है बेटा थर्मामीटर होता है घर में भी देखा होगा आपने क्लिनिकल थर्मामीटर भी होता है कई तरह के थर्मामीटर हमारे पास जनाब ये वो होते हैं अब आता है जनाब टाइप्स के थर्मामीटर कई तरह के थर्मामीटर हमारे पास होते हैं एक तो होता है डिजिटल थर्मामीटर आजकल आपने देखा होगा जनाब अली कि जब कोविड की वजह से जगह जगह गेट के बाहर जनाब एक जो है वो लेजर की तरीके से लेके बैठे हुए दूर से आपका बता देता है कि आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एयर थर्मामीटर भी होता है फोरहेड थर्मामीटर भी होता है घरों में प्लास्टिक है और जो मेनली आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्लास एंड मरकरी थर्मामीटर और अगर आपको याद हो जब आपने के, केमिस्ट्री के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया था तो वहां आपने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया था केमिस्ट्री में जब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल किया था तो वहां आपने ग्लास रॉड थर्मामीटर का इस्तेमाल किया था घर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका ग्लास रॉड थर्मामीटर हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्लास रॉड थर्मामीटर ग्लास रॉड थर्मामीटर का प्रिंसिपल जनाब क्या होता है तोज्जा दे सुन ले कि जो ग्लास रॉड थर्मामीटर होता है वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पर बेस करता है इस पर बेस करता है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पर बेस करता है जब हम उसको उसके अंदर क्या होता है मरकरी होता है जो रेड वाले थर्मामीटर आपने इस्तेमाल किए होंगे उनके अंदर अल्कोहल होता है जब उनको हॉट बॉडी के अंदर डाला जाता है तो हॉट बॉडी के अंदर डाले जाने की सूरत में मरकरी एक्सपेंड होता है जब मरकरी एक्सपेंड होता है तो उसके अंदर एक बारीक सी रॉड बनी होती है उस रॉड के अंदर जिसको कि आप जन एक बारिश सी रॉड बनी होती है उस पर वो जनाब आपका ऊपर की तरफ जनाब एलो जो है वो मूव करता है जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इतना ऊपर चला जाएगा आगे चलकर हो सकता है कि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताएं अब आता है स्केल्स ऑफ थर्मामीटर के थर्मामीटर के स्केल क्या होते हैं किस किस स्केल में थर्मा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तीन स्केल हमारे पास होते हैं जो कि वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर बेस करते हैं तीन स्केल होते हैं ये नाम सुना होगा आप लोगों ने एक का नाम होता है सेंटीग्रेड जिसको सेल्सियस भी कहा जाता है दूसरा फेरन होता है जो यूरोप साइड पे इस्तेमाल ज्यादा होता है तीसरा हमारा कैलविन होता है और जो कैल्विन स्केल होता है ये हमारे पास जनाब इस्तेमाल होता है किसमें जो कैलविन का टेम्परेचर है वो हमारे पास साइंटिफिक परपज में लॉज वगैरह में इस्तेमाल होता है तीन हमारे पास स्केल होते हैं यहाँ बेटा अगर आप गौर से देखेंगे चंदा तो तीन हमारे पास स्केल हैं, जो स्केल है जो कि फ्रीजिंग और बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर बेस करते हैं एक सेंटीग्रेड इस पर सी पर डॉट लगा हुआ है सेंटीग्रेड कहते हैं इसके अंदर जो फ्रीजिंग या बॉयलिंग पॉइंट है ये हमारा कितना होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है फैन हाइट स्केल की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री थर्टी 32 डिग्री फेन हाइट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 कितना मेरे बेटा 212 हंड्रेड फेन हाइट स्केल पर वाटर हमारा बॉयल होता है और जनाबे आली जो आपके पास कैलवेन स्केल होता है वो 273 फ्रीजिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वॉटर का और जनाब जो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो पॉइंट हमारे हमारे पास पास होता है वो 373 हमारे पास। कितना मेरे बेटा 373 हमारे पास जो है वो, की कन्वर्जन एग्जाम में एक नंबर का एमसीक्यूज आ सकता है एक दफा तो चार नंबर का न्यूमेरिकल भी आ गया था टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवेन था और हमने उसको फेन में कन्वर्ट करना था तीन हमारे पास स्केल हो गए नेक्स्ट हमारे पास मेरे बेटा आता है कन्वर्जन ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में जनाब कैसे कन्वर्ट करेंगे तो एक तो हमारे पास होता है सेंटीग्रेड से अगर हमने इसको फेरनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो से फेनहाइट स्केल में अगर कन्वर्ट करना हो मेरे बेटा तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एक्स सेंटीग्रेड एक्स के मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है बराबर होगा नाइन अपॉन फाइव कितना मेरे बेटा नाइन अपॉन फाइव ये एक्स हमारे पास कोई भी टेम्परेचर होगा नाइन और फाइव इसका रेशियो है आगे चल के कभी बता देंगे कैसे आता है X वो है जिसको कन्वर्ट करना है और फिर उस अली थर्टी टू को अगर एड कर दिया जाएगा तो ये फेर हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा एग्जाम्पल जनाब देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है अगर हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो क्या करेंगे बेटा एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे 25 लगा देंगे साथ में 32 ऐड कर देंगे क्या देखेंगे 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा क्या होगा मेरे बेटा जो 5 है उससे हमारे पास जो है वो इस 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो फाइव हमारे पास आ जाएगा नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई किया जाएगा बाद में थर्टी को जनाब एड किया जाएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फाइव आ जाएगा, तो जाएगा मेरा सेवन आ जाएगा सेवन फेर एन हाइट के बराबर होगा किसके बराबर होगा सेवनटी फाइव फेर एन हाइट के बराबर हमारे पास हो जाएगा एक और एग्जाम्पल जनाब देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू है अगर

तो ये हमारे पास हो जाएगा 66.4 और 6 हो जाएगा और जब इसमें 32 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जनाब बन जाएगा कितना 98.6 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 98.6 एट पॉइंट के बराबर हो जाएगा एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है बिल्कुल वही तरीका है जहां एक्स लिखा था मेरे बेटा वहां पे क्या लगा दिया है 10 लगा दिया है 5 टू 10 हो गया है 9 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर माइनस पे टेम्परेचर आ जाए माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो कितना मेरे बेटा का आपके पास होगा अगर अगर टेम्परेचर अगर आपके पास माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास हो तो माइनस के अंदर वैल्यू आ जाएगी क्या होगी बेटा वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी उसको सिंपलीफाई करेंगे जब 5 5, 5 को जब कैंसिल करोगे तो फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कितना मेरे बेटा फोर्टीन डिग्री फेरन हमारे पास जनाबे वो आ जाएगा कितना आ जाएगा फोर्टीन डिग्री फेरन हमारे पास जनाब एलि जो आ जाएगा होमवर्क के लिए जनाब देख ले कुछ टेम्परेचर आपको दे रहे हैं होमवर्क के हवाले से एक 50 डिग्री को कर लीजिएगा 100 डिग्री को कर लीजिएगा माइनस हंड्रेड डिग्री को जनाब कर लीजिएगा

क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं कल आएंगे तो नेक्स्ट क्लास पे आएंगे तो से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और भी कन्वर्जन है उसको जनाब है लीजिए वो देखा जाएगा बारी बारी तमाम लोगों से इसको हम कुछ तरह पूछने की कोशिश करते हैं कोई प्रॉब्लम हो कोई इश्यू हो तो बता दीजिएगा एक दो चीजें आपसे और डिस्कस करनी है फिर वो भी हम आपसे अभी बताते हैं कि क्या चीजें डिस्कस करनी है एक चीज सवाल मुझे हाथ का जवाब सोच के इस एक सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप पर दे दीजिएगा या क्लास पे भी लिख दीजिएगा सोच ही रहे हैं कि आपके है, जो क्लासेस हैं है चूंकि कॉलेज तो आप लोग जान ही रहे हैं तो भरी धूप में इतनी गर्मी में क्लास लेने के बजाय अगर आप लोगों की क्लासेस सुबह के औकात में दस बजे ग्यारह बजे या बारह बजे का आपका टाइम टेबल बनाया जाए ये पहला वीक था ये पहला वीक सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए था क्या क्या इशू आ रहे हैं हमें क्या इशू आ रहे हैं आपको क्या इशू आ रहे हैं हम सब बातें देख रहे हैं जैसे आज आप लोगों की तरफ से ओके था हमारे सेंटर में नेट चला गया नेट के तार ब्रेक हो गया है बहुत सारे इशू आ सकते हैं तो कोशिश एक टाइम टेबल आपको नेक्स्ट वीक से प्रॉपर बनाया जाएगा अगर आप लोग बोलो तो मेरे बेटा बजे से टाइम टेबल का कुछ सेटिंग कर लेते हैं ठंडे ठंडे आराम से पढ़ लो दिन में आराम से कर लेना इसको सोचना और सोच के इसको व्हाट्सएप पे जवाब दे देना जिन जिन लोगों का नाम कॉल करेंगे मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा गानिया अलवी साहबा से जनाब सवाल कर रहे हैं पहला गानिया अलवी जी सर आवाज आई है सारी स्क्रीन सब सा नजर है कोई इशू नहीं है ठीक है बेटा क्लास पे थोड़ा देर से आए थे पहली पहली क्लास थी ठीक है क्लियर है कंप्यूटर पे देखेंगे तो अच्छा मजा आएगा मोबाइल पे छोटा तो रहेगा दूसरा जनाब हमना है जयवंती है नजर नहीं आ रही जयवंती क्या है बेटा आवाज आई जयवंती आवाज आई है आवाज क्लियर है यस सर ठीक है भाई सर yes, कोशिश वैसे आप लोग ये करें कि अगर आप लोग हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे ना बेटा अगर तो बहुत जबरदस्त मजा आएगा पढ़ने में आवाज बहुत साफ बाजी आएगी ठीक है जनाब और बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम हो एक मारिया जमील साहब है बेटा मारिया आवाज आई है इशू तो नहीं है कोई क्लियर है स्क्रीन साफ नजर आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक yes, है? है भाई सर yes, आवाज है बिल्कुल रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं देखो ए, बेसिक करें तो एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है जो आपको शॉर्टकट लगता है उसमें आप कर ले बेहतर है आगे असल में डेरिवेशन मैंने और करवानी है वहां पर ये फार्मूला काम आएगा ठीक है ठीक है अब आप देख लीजिएगा ठीक है जी उसके बाद जनाब और देख लेते हैं ये एस एफ वी बी फाइव ये जनाब कौन है भाई ये अपना नाम बताएं पहली बात मेरे बेटा बताओ आवाज आइए साफ भाई एस एफ वी बी एफ नाइन कौन है कोशिश ये करें बेटा अपने नाम से लॉगिन किया करें ठीक है यासमिन अली बेटा आवाज आइए यासमिन अली yes, आवाज आई क्लियर yes, है yes, बिल्कुल क्लियर है बिस्मा जहांगीर बेटा yes, बिस्मा जहांगीर सर yes, बेटा जी जी आरफा आतिफ आरफा आतिफ ठीक है आतिफ बेटा yes, क्लियर है आरफा आतिफ आवाज आई बेटा इशरत सयाल बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है अरीबा अहमद इसको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा चैट पे बता रहा मुझे ने, अरीबा अहमद बेटा आवाज आई है अरीबा अहमद अहमद चलो जी टाइम पूरा हो गया अब इन शाल नेक्स्ट क्लास लेंगे आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी रखिएगा गूगल क्लासरूम पर भी रखिएगा आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल बता दिया जाएगा ओके जी अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच आज की स्क्रीन आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर मिल जाएगी ओके जी थैंक यू